अनमोल को घर के पूजा घर में आकर पूजा करने का कोई जरूरत नहीं था। आप क्या कह रहे हो? सही कह रहे हो, अभी हमारा शादी होने वाला है और हमको ऐसा कोई भी गलती मंजूर नहीं है जिससे हमारा शादी में कोई भी समस्या आए। अब आप हमसे पूजा करने का अधिकार भी छीनना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी शादी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर ये सब चलता रहा तो सोनाक्षी को शक हो जाएगा, वो सवाल खड़ा करेगी, बात निकलेगी, बात बढ़ेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम ऐसा कोई भी हरकत ना करो जिससे हमारा मैरिड लाइफ में कोई बवाल खड़ा हो। जो चीज हमको और हमारा परिवार वालों को मंजूर नहीं है तुम वो काम मत हो। सुरीली बहू, इसके हाथ से पूजा की थाली छीन लो। इसी में जलकर मर जाती बोनी। अनमोल, भाभी आप ठीक तो हैं? कहीं जली तो नहीं? भगवान भी घर के कुलक्षिणी के हाथों पूजा नहीं लेना चाहता। नीलम, लेकर जाओ इसको अंदर। हेमंत और पंडित जी आने वाले हैं। आज नीलम की वजह से फिर ये बौनी बच गई। वैसे तो अगले हफ्ते बहुत सारे मुहूर्त हैं, लेकिन लड़का लड़की का कुंडली के हिसाब से परसों का मुहूर्त सबसे अच्छा है और उसके बाद तकरीबन 6 महीना दूसरा कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। परसों? समधी जी, दुल्हन तैयार कर लीजिए, हम दूल्हा रेडी करते हैं। और रही बात दहेज वहेज की, अरे वो तो हमको चाहिए नहीं, तो उसके बारे में सोचने का जरूरत ही क्या है। अरे फिर शुभ कार्य में देरी क्या है? चाय लीजिए। ये लो, इसमें हल्दी है, अब पूरा पीसना है, वो भी सिल बट्टा से एकदम महीन। कहे कि ये हल्दी ऋषि को लगने वाला हल्दी है। मामू जी, हम ये नहीं करना चाहते। तुम घर की महारानी हो, जो तुम्हारा मर्जी चलेगा। भूल गई होगा कि तुम घर की नौकरानी हो। हमको याद है और आगे भी रहेगा, लेकिन हमसे ऋषि का शादी का हल्दी नहीं पीसा जाएगा। आप हमको कोई और काम दे दीजिए, हमको खुशी खुशी कर देंगे। हल्दी की बात कर रही हो? हम तुमसे ऋषि के पत्नी का परछावन और स्वागत भी करवाएंगे। सुहाग रात का सेज भी सजवाएंगे। तुमको इतना तकलीफ देंगे ना
कि बाप बाप करते हुए सीधा अपने बाप के घर भागो। एक पत्री के लिए चुप, दोबारा इस शब्द अपने जुबान पर मत लाना। कहे कि तुम ऋषि की पत्नी नहीं, एक घर का नौकरानी हो, और ये जो रोना धोना है ना, वो अपना पास रखो। ये हल्दी आज रात तक पीस जाना चाहिए। कहे कि ऋषि के हल्दी का मुहूर्त कल सवेरे है, और हमको ना कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। भूलना मत, नहीं तो दीदी से बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चाहिए था आपको? हाँ, वो हम पानी लेने आए थे। हम दे देते। लीजिए। ऋषि, एक मिनट। बीच रात में आपकी नींद टूटी है ना, तो आपके सर में दर्द हो जाता है ना उससे। ऐसे में आप चॉकलेट खाते हैं तो आराम मिलता है। लेते जाइए, आपको जरूरत पड़ेगा। पता नहीं कब आप दिल में ऐसे बस गए कि अब आपके बगैर जीना नामुमकिन हो गया है हमारे लिए। हरी टाटा वाली, सुना है बड़ी सुंदर बहुरिया पाई? पूरा धनबाद में किसी का ऐसा बहू नहीं है। मारी बहू पढ़ी लिखी खूबसूरत स्मार्ट बहू है। वो बोने का क्या हुआ? उसको तो नौकरानी रख लिए है ना। वो देखो अपना ड्यूटी कर रही है। लीजिए, ऋषि भी आ गया। ऋषि को ना एकदम चांद जैसी सुंदर पत्नी मिलने वाली है, और वो देखो बोनिया कैसे टेसू बहा रही। टेसू ये नहीं बहाएगी तो क्या करेगी? औकात से बड़ी चीज जो पा गई थी। पता है हमारी होने वाली बहू है ना, ये बोनी से दो गुना ज्यादा लंबी है। ऋषि का बच्चा पैदा होके वो भी लंबा हो जाएगा। ये तो ऐसी की ऐसी रहेगी। माँ, आज के दिन तो रहने दो। तुम चुप बैठो ना। अच्छा चलिए, अब मजाक वजाक हो गया, अब रस्म शुरू करते हैं। अब ए बोनी, जाओ जाके हल्दी लेकर आओ। Yeah, yeah, yeah.
रख दो। अपना रस्म शुरू करेंगे। अरे सोनाक्षी बेटा अभी तक नहीं आई। सुरीली जाओ देखो जरा। देखिए हमारी बहू को। बेटा बैठो, कितनी प्यारी लग रही है। रस्म शुरू करते हैं ना। अनमोल तुम यहाँ आओ और हल्दी का रस्म ना तुम शुरू करो। झिझक रही है। सुरीली जाओ अनमोल को यहाँ लेकर आओ। अभी लाते हैं। क्या हो रहा है सब? हमारी भतीजी के साथ ये अन्याय कर रहे हो तुम लोग। और ये इसके होते हुए ऋषि की दूसरी शादी करवा रहे हो तुम लोग। अनर्थ हम नहीं होने देंगे। तुम सबको गोली मार देंगे। आप कुछ नहीं करेंगे चाचा जी। आप प्लीज यहां से चले जाइए चाचा जी प्लीज। भैया भाभी आइए। अब और कुछ नहीं, अब इन सबके कर्मों की सजा मिलने का समय आ गया है। कप्तान मारो इन सबको। कोई किसी को कुछ सजा नहीं देगा। आप लोग जाइए। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ऋषि को हल्दी लग रहा है ना, इसके करने की वजह से पूरे परिवार के मुंह पे हम काली पोतेंगे। ए ले क्या आप कुछ भी नहीं करेंगे चाचा जी। पापा प्लीज रुक जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते। भैया कालिक पुत्र क्यों? पापा रुक जाइए। नहीं अनमोल, तुमको नहीं छोड़ेंगे। ऋषि भैया हटिया।
अगर ऋषि का शादी धूमधाम से हुआ तो इस बोनी के गुंडे चाचा को सब पता चल जाएगा और फिर वो कुछ भी कर सकता है, सब घर वालों को मार भी सकता है। अगर तुमको हल्दी नहीं लगाना है तो तुम जाओ यहां से। क्या हुआ ऋषि, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। श्योर? हाँ हम एक बहुत भयंकर सपना देखे हैं। पता है कहाँ देखे? कहाँ? कि वो बोनी का चाचा हम सबको गोली से मार दिया। ऋषि का शादी का खुशी में हम तो भुला ही गए थे कि हम सबकी जिंदगी में एक शैतान भी है, वो बोनी का गुंडा चाचा। कप्तान के बारे में तो हम भूल ही गए, बहुत ही कमीना आदमी है। उसको ऋषि का शादी के बारे में पता लगा तो चुप नहीं बैठेगा, बंदूक लेकर आ जाएगा और इस बार तो गोली ही मार देगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? शादी से पीछे भी नहीं हट सकते। और शादी बहुत धूमधड़ाका से करेंगे तो कप्तान से कैसे छुपेगा? अरे शादी कोई छुपा के करने वाला कार्यक्रम नहीं है ना, बैंड बाजा बारात मेहमान इन सबको कैसे छुपाएंगे? तो क्या करें, हेमंत को सब कुछ बता दें? बिल्कुल नहीं, ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे वरना शादी नखट से टूट जाएगा। इतना सुंदर दुल्हन को हम ऋषि की जिंदगी से जाने नहीं दे सकते। किसी भी हाल में ना हमको ये शादी करवाना होगा। कुछ सोचते हैं? आप रहने दीजिए, हम सोच लेंगे। सोच लिए कि कैसे ऋषि का शादी आसान तरीका से सोनाक्षी से करवाना है। सोच लिए। लड़की की तरह होते तो आज आप हमसे भी प्यार कर रहे होते, हमारा सारा सपना सच हो रहा होता। ऋषि वो कुछ सामान लेने आए थे, देखा आपको ठंड लग रही है तो कंबल ओढ़ाने आ गए। अनमोल, वैसे एक बात कहना चाहते थे तुमसे। देखो हमारा शादी होने तक तुम अपना मायका में जा सकती हो,
क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारी शादी का हर रस्म तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है, परेशान हो जाती हो तुम। लेकिन मायके जाके अपना परिवार वालों से कहा कहेंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं? ये तो नहीं बता सकते ना कि आप दूसरा शादी कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई आ गया तो आपका शादी टूट सकता है। अग्निशी, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए दुनिया का हर दुख बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना जान भी दे दी। पता नहीं भगवान भी इसके साथ हमारा क्या रिश्ता बनाए हैं। शादीशुदा होकर भी ये पत्नी नहीं है और पति की दूसरी शादी के लिए सारी तकलीफें झेलने को तैयार है। समझ में नहीं आता सोनाक्षी और हमारी शादी ये अपनी आंखों से कैसे देख पाएगी। सच में ये अनमोल है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।